हमें नहीं खाते ऐसे खाते ऐसे खाते हैं कुछ वहाँ पे पांच शिवलिंग स्थित है समुद्र देव खुद आगे पे चला सकते हैं। हम जा रहे हैं सोमनाथ से दीव जो उधर के बीच है ना वो बहुत खूबसूरत है व्हाइट सैंड है मेरे ख्याल से उधर व्हाइट सैंड है ना सर वहाँ पे सफेद बीच है ना नागौर बीच भोगरा बीच कई सारी चीजें हैं जाके देखते हैं वहाँ पे और यहाँ से ना ऐसी ये इको चलती है क्या बोलते हैं इनको यहाँ पे मैजिक बोलते हैं वैसे है मारुति सुजुकी इको और ऐसे सवारी बेसिस पे 200 पर पर्सन ये मिल जाएंगी और सीधा सोमनाथ से दीव चलिए चलते हैं देखते आगे कुछ होगा तो बताते हैं दीव से ना करीब एक घंटे का सफर हो गया अंदर ही बैठे हुए थे नॉर्मल सा चल रहा था अब आए हैं थोड़े से नारियल के पेड़ और वो नारियल चल रहा है 30 रुपए में एकदम बढ़िया और बाकी तो है ही सारा कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब चीज़ें कोई सी नहीं है सारा ही अच्छा एक ही जैसा है तो ये हरा क्यों नहीं है कोका कोला ढूंढ रहे थे लेकिन पी रहे हैं वही नारियल द्वारा भी अब मिला है यहाँ पे ये वहाँ पे भी लेके घूम रहे थे बिना पान के खाते ऐसे खाते हैं कुछ स्पेशल कोई गुजरात स्टाइल का ना सुपारी वाला तंबाकू बना रहे थे यहाँ पे और यहाँ जाके छोटा शहर आया है इसमें मिला है स्प्राइट दीव का समंदर स्टार्ट हो गया तो भाई 2.25 घंटे लगे करीब 2.5 घंटे मान के चलो 2.25 से भी ज़्यादा हो गया और दीव पहुंच गए ऐसा सा कुछ माहौल है अभी यो हाउस द फीलिंग हैं Yeah.